तो ये सारा का सारा जो अकाउंट अभी गिना रहे हैं, ये कहां से निकाला आपने ये सारी फाइल? कहां था ये सारी स्टोरेज? अपने भीतर थी। जब आपने भीतर स्टोर करके रखा है तो माफ किसको किया था? माफ किया ही नहीं था, माफ किया नहीं था, केवल माफ करने का अभिनय किया था। क्योंकि माफ करने का मतलब तो है कि वो चीज सदा सदा के लिए डिलीट हो गई। बोले जी ऐसे भूल नहीं सकते हैं ना, ऐसे कैसे डिलीट हो सकती? किसी व्यक्ति ने मान लो कोई काम किया हमारे साथ, तो उसको भूल कैसे सकते हैं? ये सच है, क्योंकि स्मृति आत्मा का एक गुण है, तो स्मरण तो रहेगा ही। स्मरण रहे तो कोई बात नहीं है, स्मृति दुखदाई नहीं है। स्मृति के पीछे जो टीश है, जो दर्द है, वो दुखदाई है। घटना स्मरण रहे कोई बात नहीं, पर उस घटना के साथ जुड़ा हुआ दर्द यदि आज भी है चित्त में, तो ये हमने गलत चीज को स्टोर किया हुआ है, विष को हमने स्टोर किया हुआ है अपने अंदर, उसको हमें हटाना है। और ये मैं ही कर सकता हूं, और ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है बिल्कुल भी माफ करना। हम कहते हैं ना कि जी उसने तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, परिवर्तन उसने करना ही नहीं था माफ करके। परिवर्तन किस में करना था? मुझ में करना था, कि मुझे बदला नहीं लेना, खुद को बदलना है। तो मैं बदली कि नहीं बदली? मैं बदली, क्योंकि मैंने 5 बार उसको माफ किया। फिर अब उसकी काउंटिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि अच्छाई की कोई काउंटिंग होती है क्या? आपसे पूछें कि जन्म से लेकर के आज तक आपने कितने स्वीट्स खाई, कितनी बार रसगुल्ले खाए, कितनी बार जलेबियां खाई, लड्डू कितनी बार खाए जन्म से लेके आज तक? है कोई काउंटिंग आपके मन में? क्यों? बोल जी अच्छा तो जितना मिल जाए उतना ही थोड़ा, उसकी क्या काउंटिंग करनी है? तो जब अच्छे की काउंटिंग नहीं है, अच्छे की तो भले ही काउंटिंग कर ले, तो बुरे की क्या काउंटिंग करनी? जो है ही बुरा उसकी क्या काउंटिंग करनी? ये कितनी बार उन्होंने मेरे को पीड़ा दी, उसका क्या काउंट करना है? कितनी बार मैंने माफ किया, इसकी भी क्या काउंट करनी है? अच्छाई की क्या काउंटिंग करनी है? आप ये तो बता सकते हैं कि आप पिछले 10 साल में कितनी बार बीमार हुए, ये तो याद होता है, पर आप पिछले कितने दिनों से स्वस्थ हैं, ये याद आता है क्या कभी? क्योंकि स्वस्थ रहना तो हमारा स्वभाव है, स्वस्थ रहना ही है, तो उसकी क्या काउंटिंग करनी है? स्वस्थ तो रहना ही है, बीमारी की याद रहती है कि जी तब तब मैं बीमार पड़ गया था। तो जब जब गलती हुई उसका तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि अब नहीं करना है। अच्छाई का, क्षमा करने का क्या ध्यान रखना है? मैं मेरे अंदर वो गुण है क्षमा करने का, इसलिए मैंने किया। और किसके लिए किया? अपने लिए किया। अब दूसरा उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है? हम कभी भी ये नहीं कहते ना कि जी सब लोग रोगी पड़ते हैं तो मैं ही स्वस्थ क्यों रहूं, ऐसा उलाना कभी नहीं देते ना कि जी हमेशा मैं ही स्वस्थ क्यों रहूं, इनको बुखार होता रहता है, इनको जुकाम होता रहता है, और मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं तो मैं क्यों रहूं हमेशा मैं? क्योंकि स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव है, क्योंकि स्वस्थ रहना मेरे लिए लाभदायक है, इसलिए मैं स्वस्थ रहूं। तो ऐसे ही हमें उसकी भी काउंटिंग नहीं करनी है। उसकी काउंटिंग नहीं करनी है तो हम आज से यदि शुरू करें तो अंतिम समय भी मेरी प्रकृति क्या होगी? वही होगी स्वाभाविक रूप से। फिर गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं है मरने वाले को, लेकिन सरल वही है, इसलिए लोक में वही करते हैं। जब तक प्राण नहीं निकले हैं तब तक उसको गीता का पाठ या रामायण का पाठ या जो भी कुछ सुनाते हैं, वेद मंत्र सुनाते हैं, गायत्री मंत्र सुनाते हैं, और जब प्राण निकल गए तब उसको सुनाते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्य है, गति है, सत्य बोलने में ही गति है। वो सुन नहीं रहा है कि ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। छूट गया आज सब, जिस जिस को तूने सत्य माना था, घर परिवार रिश्ते शरीर पद पोस्ट प्रतिष्ठा, वो सब क्या था? असत्य था। सत्य क्या था? ईश्वर और ईश्वर का नाम ही सत्य था, तू आत्मा ही सत्य था। अब वो सुन नहीं रहा है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है अब सुनने के।
राम नाम सत्य है, और सत्य बोले ही गत्य है। गति कब है? सत्य बोलने में, सत्य करने में, सत्य आचरण में, सत्य सुनने में। और इन लोगों को भी पता है कि ये वाक्य हम किसके लिए बोल रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए, डेड बॉडी के लिए बोल रहे हैं। इनको बोले कि ये तो आपके लिए, ये बोले हो ऐसे अशुभ मत बोलो भाई हमारे लिए, मतलब जैसे हम तो अमर हैं और हमारा सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपने पूछा था कि गीता का पाठ हम अंत में ही क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं आत्माई, और जो करना चाहते हैं उनको शुरू से ही वो या तो सुना दिया जाता है या तो खुद सुन लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो चलो एक अंतिम प्रश्न किसी का है तो पूछ लो, उसके बाद पढ़ाती हूँ फिर मैं। दे दो इधर माइक। ओम दी जी, मेरा एक क्वेश्चन मतलब इससे नहीं है, थोड़ा अटके है, मतलब एक प्रश्न है। जैसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो मतलब जो विचार हमारे मन पे आते हैं, तो जब विचार हमारे मन में आ जाते हैं उसके बाद ही ईश्वर जानते हैं या पहले? क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि जब वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कहते हैं तू युद्ध कर, मुझे इसका परिणाम भी पता है कि क्या होगा और इनकी गति क्या होगी, वो भी मुझे पता है सारी चीजें, और तेरे जो जन्म हो चुके हैं और जो आगे होंगे वो भी सब मुझे पता है, और व्यक्ति जो कर्म करेगा वो कर्म भी मुझे पता है। तो यहाँ तो ऐसा पता चलता है कि भगवान को सारी चीजें पता है, मतलब हम क्या करेंगे आगे, हमारे जीवन में क्या घटित होगा, कौन सी घटनाएं होंगी, ये भी भगवान को पता है। लेकिन कहा गया है कि जो विचार मतलब हम लोग के जो आए नहीं है विचार, वो भी ईश्वर अभी नहीं जानते, लेकिन जब आ जाएंगे तब ईश्वर जानेंगे, तो क्या ऐसा सत्य है? ईश्वर सर्वज्ञ है, ये ठीक है। सर्वज्ञ का मतलब है त्रिकाल दृष्टा है वो, और ये तो ईश्वर ही नहीं, ये त्रिकाल दृष्टा, ये विशेषण तो योगी के लिए भी होता है। ईश्वर तो बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है ही है, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है। ये योग्यता पात्रता तो एक योगी में भी आ जाती है। वो कैसे आती है? वो जैसे अपने चित्त को देख लेता है कि मेरे चित्त में, वो आज ही पाठ चल रहा था, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में जो स्थित योगी होता है उसको जन्मों की कथनता का सम्यक ज्ञान हो जाता है। संबोध है माने सम्यक ज्ञान, हम क्या थे। जैसे महात्मा बुद्ध को कई सौ वर्षों के अपने पीछे के जन्मों का ज्ञान हो गया, ऐसे सुना जाता है। और अभी हम क्या हैं उसको वो जानता ही है, योगी योगी जानता है, योगी नहीं है वो नहीं जानता है। हम सब नहीं जानते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यदि हम जाने तो हम असत्याचरण नहीं कर सकते हैं फिर। और हम क्या होंगे वो तो वही है कि मतलब जो आज है, जैसे आज आपने यहाँ इस मिट्टी में गेहूं का एक दाना बोया तो 6 महीने के बाद यहाँ कौन सा पौधा उगेगा? आम का तो नहीं उग जाएगा, पीपल का भी नहीं उग जाएगा। आज जो बीज है वो ही आगे होगा। तो जो आज हम आचरण कर रहे हैं, आज हमारे चित्त में द्वेष है, घृणा है, नफरत है, क्षुब्धता है, टेंशन है, इरिटेशन है, तो स्पष्ट है हमारा कल का जीवन कैसा होगा, दुखदायी होगा, 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 कोई नहीं बचा सकता है। आज यदि हमारे जीवन में सत्य है, अहिंसा है, योग है, पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, सेवा का भाव है, तो कल का हमारा जीवन कैसा होगा, योग युक्त होगा, प्रसन्न होगा, तो आगे का पता ही है। तो ये जो कहा कि मैं सब जानता हूं तेरे कितने जन्म हुए और आगे भी कितने होंगे, तो इसका अभिप्राय यही है कि जो इस समय अर्जुन के चित्त की स्थिति है, तो इस स्थिति की क्या क्या संभावनाएं हैं आगे, क्योंकि वो योगेश्वर हैं तो उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कहते हो कि ईश्वर को ये थोड़ी पता है कि अगले समय मैं क्या विचार करूंगा, क्योंकि विचार करना कोई सुनिश्चित तो नहीं है कि ये व्यक्ति अगले क्षण में यही विचार करेगा। यदि ये सुनिश्चित है तो फिर तो योग साधना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम कह रहे हैं कि हमें क्लिष्ट वृत्तियों को हटा करके अक्लिष्ट वृत्ति को उठाना है, नेगेटिव विचार को हटा करके पॉजिटिव विचार उठाने हैं। तो इसमें तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं अगले क्षण पॉजिटिव विचार उठाऊं
कि नेगेटिव उठाऊं, ये तो मेरे अधीन है ना, तो इसमें ईश्वर कैसे जान सकता है? और यदि ईश्वर जानता है कि अगले क्षण ये यही विचार उठाएगा, तो फिर मेरी स्वतंत्रता का क्या रोल है, ये प्रश्न बनता है। तो इसमें यही है, ईश्वर जानता है आपकी संभावनाओं को कि इस जीवात्मा के इतने पिछले जन्मों के ये संस्कार हैं, इन संस्कारों के रहते अगला इसका जीवन ऐसा ऐसा हो सकता है, उसकी संभावनाएं संस्कारों के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि इस जीवात्मा ने, आप जीवात्मा ने उन पिछले सारे संस्कारों को दग्ध बीज करने का संकल्प ले लिया है, और आज से ही यदि आपने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया है, तो आपका जीवन वही होगा जो इसका परिणाम है योग साधना का। तो जब आपने करना शुरू किया, पॉजिटिव विचार उठाने शुरू किए, योग साधना करनी शुरू की, तो ईश्वर को वही ज्ञात होगा कि अब इस जीवात्मा ने ऐसा तप करना शुरू कर दिया है, तो अब इसके जीवन की क्या संभावनाएं हैं, अब दूसरी संभावनाएं हैं, इसके संस्कार तो ये थे, तो इस रूप में तो वो सर्वज्ञ हैं। लेकिन ऐसा सुनिश्चित नहीं किया ईश्वर ने कि आगे ये यही विचार उठाएगा, उसमें सब जीवात्माओं को स्वतंत्रता दी है, आप कोई भी विचार उठा सकते हैं। दी, जैसे हम लोग के विचार आते हैं मन में, कोई भी विचार आता है, तो कहते हैं कि ईश्वर की प्रेरणा से ही विचार आते हैं मन में। ये गलत बात है, ईश्वर की प्रेरणा से नहीं आते, हमारी प्रेरणा से आते हैं, जीवात्मा की प्रेरणा से आते हैं। तो मतलब एक शब्द में यदि कहें तो मतलब विचार जब हमारे आएंगे तभी भगवान को मतलब ये चीजें पता होंगी कि इसके पहले नहीं होता। नहीं, उससे पहले भी आपके चित्त की स्थिति दिख रही है ना, चित्त पवित्र है तो पवित्र विचार आएंगे। बस इसीलिए पूछ लिया, स्वामी जी पढ़ा रहे थे हमको तो यही प्रसंग चल रहा था, तो उनसे भी मैंने पूछा था, बट मुझे संतुष्टि नहीं मिली उनसे उस क्वेश्चन की, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब तक हमारे विचार नहीं आएंगे मन में तो ईश्वर को पता नहीं चलेगा, ईश्वर को ज्ञात ही वो होगा ही नहीं कि ये हमारे अंदर ये विचार आएंगे या हमारे आगे ये कार्य, क्योंकि आप स्वतंत्र है ना। मैंने वही तो बताया कि ईश्वर ये निश्चित नहीं कर सकता कि आप अगले समय में अगले क्षण में यही विचार उठाएंगे, ऐसा ईश्वर प्रतिबद्ध नहीं करता किसी आत्मा को। ईश्वर ने सब आत्माओं को फुल फ्रीडम दे रखी है, चाहते तो यही है ईश्वर कि सब आत्माओं का कल्याण हो, मोक्ष हो, इसलिए उन्होंने इस मनुष्य की रचना करने से पहले ही वेदों की रचना कर दी चार ऋषियों के हृदय में। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट के साथ साथ ही उसकी गाइडलाइन की बुकलेट भी बना देती है, कुकर बनाया तो कुकर के साथ एक बुकलेट आती है, ऐसे ऐसे यूज करना तो कुकर कई दिन चलेगा, ठीक चलेगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी, फटेगा नहीं। ऐसे ही ईश्वर ने सृष्टि की, तो सृष्टि में कैसे हमें बरतना है, हम आत्माओं को कैसे व्यवहार करना है, तो उसकी गाइडलाइन दे दी हमें वेद में, ऐसे करना, चाहते तो यही है ईश्वर। लेकिन ऐसा चाहते हुए भी, ऐसी भावना होते हुए भी उन्होंने सब आत्माओं को स्वतंत्रता दी है, आप चाहें तो अपने जीवन को उस वेद के अनुसार चला करके बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, आप चाहे नीचे गिरना है मुझे, आप स्वतंत्र हैं, आप नीच योनियों में, निम्न योनियों में जा सकते हैं, वृक्ष योनियों में जा सकते हैं, वो स्वतंत्रता ईश्वर ने सब आत्माओं को दी है। तो अब ईश्वर कैसे जाने कि आप अगले क्षण क्या रोल करने वाले हैं, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी को तो जानेंगे। जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी बहुत यम नियमों का पालन करता है, विनम्र भाव से रहता है, पुरुषार्थ करता है पढ़ाई में, तो हम कहते हैं कि भाई ये ब्रह्मचारी देखना एक दिन कुछ ना कुछ तो बनेगा, जो बहुत विनम्र है, सत्याचरण करता है, तो लगता है भाई इसके जो संस्कार हैं वो ऋषि आत्मा जैसे हैं, तो एक ना एक दिन ये बन ही जाएगा। तो ये क्या है, केवल आज के संस्कारों को देख करके संभावना है, ये हो सकता है यही व्यक्ति कल अपने आचरण को बिल्कुल ही उल्टा कर दे, यू टर्न ले ले, नियमों में जाना बंद, कल से बिल्कुल इसका खान पान उल्टे तरीके का, इसका व्यवहार बिल्कुल मिसबिहेव हो जाए, तो फिर अब इन संस्कारों को देख करके संभावनाएं भी चेंज हो जाएंगी कि भाई उस समय तो ऐसे संस्कार थे तो ये संभावना दिख रही थी, लेकिन आज इस
आत्मा के संस्कार देख करके ये लग रहा है कि ये उस लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाएगा, और हो सकता है कि 2 महीने के बाद ही इसने फिर चेंज कर दिया। तो इतने रूप में तो ईश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। कब कौन आत्मा अपने आप को कितना ऊंचा उठाएगा, कब कौन नीचे गिराएगा, इसको ईश्वर भी नहीं जानता है। आप क्या विचार सोचोगे अगले क्षण, ईश्वर नहीं जानता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी, जैसे मैंने सुना हुआ है कि मतलब एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की सत्ता के बिना, वो उसी रूप में है ना बेटा। तो मतलब उसके बिना पत्ता नहीं हिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवात्मा की स्वतंत्रता बाधित है। पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी महाराज की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जो भी होगा वो सब किसकी इच्छा के अनुसार होगा? स्वामी जी महाराज की इच्छा के अनुसार। लेकिन पतंजलि योगपीठ में रहने वाले आप भाई बहन क्या विचार करेंगे, इस पे तो स्वामी जी महाराज का प्रतिबंध नहीं है ना। तो उतने रूप में तो स्वतंत्र किया है ना आपको, तो वो उस भाव में है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है मतलब यदि आपने नेगेटिव सोचा तो आपको नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो ईश्वर के नियम काम कर रहे हैं। रितम च सत्यम जो बोलते हो ना, वो रित नियम यही है। सेंसर लगा रखे हैं ईश्वर ने, जैसे कंपनियों में सेंसर लगे होते हैं ना, तो जो भी फॉल्ट प्रोडक्ट है उसको वो हटा देता है, उसको आगे नहीं भेजता है। तो वहां स्वामी जी को जाने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट ठीक हैं, कौन से गलत हैं, सेंसर लगा दिए। लेकिन फिर भी वो सारी कंपनी किसके निर्देशन में काम कर रही है? स्वामी जी महाराज के। तो ये सारी सृष्टि किसके निर्देशन में काम कर रही है? ईश्वर के निर्देशन में। ईश्वर ने ऐसे नियम बना दिए कि आप उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं लेगा, मतलब जो आप करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन करने में आप स्वतंत्र हैं। आप नेकी कर सकते हैं, आप बदी कर सकते हैं, लेकिन नेकी का फल नेकी मिलेगा। उस लगे हैं सिस्टम, बदी का फल बदी मिलेगा। आपके सामने भी एक शक्ति काम कर रही है, आपके राइट में भी, आपके बैक में भी, आपके लेफ्ट में भी। मनसा परिक्रमा मंत्र और क्या है, संध्या में बोलते हैं ना 6 मंत्र, प्राची दिग अग्निर अधिपति, फिर उसके बाद दक्षिण में दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, इंद्र अधिपति है, फिर प्रतीची पश्चिम में ओम प्रतीची दिग वरुणो अधिपति, वरुण देवता उसका अधिपति है, लेफ्ट में उदीची दिग सोमो अधिपति, सोम इसका अधिपति है इस दिशा का, ध्रुवा दिग विष्णु अधिपति, ध्रुवा मतलब नीचे की दिशा, पृथ्वी नीचे की दिशा का अधिपति कौन है? विष्णु है। और ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति अधिपति, जो ऊर्ध्व दिशा है उसका अधिपति कौन है? बृहस्पति है। तो सब दिशाओं में शक्तियां काम कर रही हैं, हमारे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, ऊपर नीचे 6 दिशाओं में। जब जो करोगे वो सीसी कैमरा में आ जाएगा और उसका वो परिणाम मिल जाएगा। तो कभी इधर इधर तो व्यक्ति को दिखता है कैमरा, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, नीचे भी दिखता है, ऊपर पीछे वाला नहीं दिखता है। इसलिए व्यक्ति अपराध कब करता है? जब उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, इधर तो कोई है नहीं, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तब वो चोरी करता है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता पीछे भी एक वरुण है, वो देख रहा है। प्रतीची दिग वरुणो अधिपति, इसलिए वेद में कई जगह मंत्र आते हैं वरुण के पास, जब आप हवन करते हैं तब भी वहां पर आता है, इमं मे वरुणः शुद्धि हवा मध्या चमृलय। तो वहां वरुण के पाश का देवता माना जाता है, पाश मतलब बांधने वाला। जैसे ही आपने चारों 5 दिशाओं में देख करके गलत करने की कोशिश की, वैसे ही पीछे से वरुण आपकी गर्दन पकड़ लेता है कि मैं भी तो हूं, क्या कर रहा है। तो हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए ये तो हम पक्का अपने अंदर विश्वास जमा लें कि जो मैंने सोचा भी है ना, किया नहीं अभी, हम कहते हैं कि भाई ऐसे किया तो नहीं ना, सोचा ही तो था। लोक में तो सोचे हुए का शायद दंड ना मिले, क्योंकि लोक वालों को नहीं पता लगता है आपने क्या सोचा,
लेकिन ईश्वर को तो आपने क्या सोचा वो पता होता है, उसका प्रतिफल तो आपको मिलेगा। इसलिए विचार के ऊपर तो सबसे ज्यादा बल दिया गया, सारे शास्त्र ही विचार को ठीक करने के लिए, क्योंकि विचार जो होता है हमारा वही हमारी वाणी में आता है, जो वाणी में आता है वही हमारे कर्म में आता है, और जो कर्म होता है वही हमारा संस्कार बनता है, जो संस्कार होता है वही फिर वाणी से बोला जाता है, वैसा ही विचार होता है, वैसा ही भाव होता है जैसे हमारे संस्कार होते हैं। तो हमें पहले उसको पकड़ना है। तो अभी प्रश्नों वाले इसको अभी बंद करते हैं और अभी आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, इन्होंने जनक आदि जो जीवन मुक्त व्यक्ति हुए उनका भी उदाहरण दिया कि अर्जुन जो जो अब से पहले, क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा था, बातें बड़ी करता है ना कभी कभी व्यक्ति अपनी कमी को छिपाने के लिए, तो कभी कभी बड़ी बड़ी बातों की चादर ओढ़ता है, वो वैसा होता नहीं है लेकिन बोलता है ऐसे अपनी उसको छिपाने के लिए, त्रुटि को छिपाने के लिए। तो अर्जुन कह रहा था ये युद्ध आदि करना तो बहुत खराब काम है, किसी को हिंसा करना मार काट करना, तो उससे अच्छा तो है कि हम ज्ञान युक्त हों, स्थित प्रज्ञ बने, सांख्य का हमें उपदेश दो। तो उन्होंने कहा कि तेरे से पहले का इतिहास सुन ले, जो जनक आदि जीवन मुक्त हुए उन्होंने भी कर्म किया, कर्म को उन्होंने भी नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं कि देखो अभी भी जैसे वो यहां तो इनडायरेक्ट रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे तो डायरेक्ट रूप से करेंगे। तो कह रहे हैं क्यों करना चाहिए उन लोगों को कर्म जो श्रेष्ठ हैं, तू अपने आप को श्रेष्ठ मान के ऐसे कह रहा है कि हमारे जैसे श्रेष्ठ लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, युद्ध आदि को किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, और उससे पहले कितने लोगों को मारा अर्जुन ने, लेकिन जब अपने लोग सामने आए तो मोह के कारण नहीं चल रहा था, लेकिन अपने मोह को छिपाने के लिए बड़ी बातें कर रहा है। तो इन्होंने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तत् तत् एव इतरो जना, वैसा वैसा आचरण दूसरे भी करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आचरण करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी, श्रेष्ठ लोगों की, जो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी योगी तपस्वी वानप्रस्थी या गृहस्थी, जो जो भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि हम तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो उन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आचरण करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जैसा करेंगे वैसा दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। घर में माता पिता जो करेंगे उनके बच्चे वैसा ही करेंगे, स्कूल कॉलेजेज में अध्यापक प्राध्यापक जैसा आचरण होगा वैसा ही वो उनको अपने शिष्यों को सिखा पाएंगे, गुरुकुल में जैसे आचार्य का आचरण होगा वैसे वैसे शिष्यों का भी होगा। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते, वो जिसको प्रमाणित कर देता है, जिसको ठीक मान लेता है जैसा करता है, लोकस तद अनुवर्तते, वैसा ही लोक अनुवर्तन करता है। अब आगे बोलिए, नैमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि हीयं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उद्सिये दीयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि इमाः प्रजाः सक्तः कर्मण्य विद्वांसो
तथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त, चिकीर्षु लोक संग्रहम्। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम्। पार्थ त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में कुछ करने योग्य मेरा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि कर्तव्य किसके लिए होता है? जिसकी अभी कोई कामना शेष है। मेरे को कोई कामना ही शेष नहीं है। तीनों लोकों में जो उपलब्ध हो सकता है वो सब मुझे उपलब्ध है। तो हे पार्थ त्रिषु लोकेषु किंचन न मे कर्तव्यम् अस्ति, कुछ भी मेरे को करने योग्य नहीं है, मैं सब कुछ कर चुका हूं। न अनवाप्तम्, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे को प्राप्त ना हो, सब कुछ मुझे प्राप्त है। न अनवाप्तम् न अवाप्तव्यम्, और कुछ ऐसा भी नहीं है जो मुझे प्राप्त करना अभी शेष है, प्राप्त करने योग्य है, सब प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन फिर भी वर्ते एव च कर्मणि, यहां वर्ते था, वर्ते को एच यवा यावे से अयादेश होकर के लोप हो गया है यकार का। तो वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं, अर्थात फिर भी मैं कर्म करता हूं, मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। हम लोग इस दृष्टि से देखें तो स्वामी जी को कोई कर्म करने की क्या आवश्यकता है बताओ? मतलब लोक उपकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जितना वो जीवन भर बड़े सुख से बिना कुछ भी किए बैठ करके अच्छे से अच्छा उपभोग कर सकते हैं, उतना सब कुछ है, बना हुआ है सब। और सन्यासी हैं तो और कोई कामना भी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी भी कोई कामना नहीं है। और बैठे बैठे भी अभी तो इतना एक व्यक्तित्व बन गया कि लाखों लोग आकर के रोज माथा टिकाई, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? वो आगे बता रहे हैं, ये कह रहे हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतन्द्रितः। हे अर्जुन, यदि कर्मणि अतन्द्रितः जातु, कर्मों में तंद्रा मतलब आलस्य और अतंद्रा मतलब निरालस्य, यदि कर्मों में निरालस्य होकर के अर्थात सावधान होकर के यदि अहम न वर्तेयम, यदि मैं आचरण ना करूं, यदि निरालस्य होकर के यदि मैं वैसा आचरण ना करूं, तो मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, सर्वशः मनुष्य, सब प्रकार से जो मनुष्य मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग पर जो चलने वाले हैं, वो तो सब प्रकार से क्या करेंगे? मेरा ही अनुसरण करेंगे। तो मेरे साथ साथ करोड़ों आत्माएं निरालस्य आलसी बन जाएंगी यदि मैंने आलस्य किया तो। इसलिए मैं क्या करता हूँ? निरालस्य होकर के आचरण करता हूँ, अतन्द्रितः, उसमें आलस्य नहीं करता हूँ। जब मैं सुबह सुबह उठ करके योग करता हूँ तो शिष्यगण भी करते हैं, और यदि गुरुजी ना करें तो फिर शिष्य भी नहीं करेंगे। और क्या हो जाए यदि कर्म ना करूं तो? उत्सी देयु इमे लोकाहा, उत्सी देयु उखड़ जाएं, नष्ट हो जाएं, उत्सी देयु इमे लोकाहा, ये सारे लोक लोकांतर ही उखड़ जाएं। न कुर्याम कर्म चेद अहम्, यदि मैं कर्म ना करूं, यदि न चेद अहम् कर्म कुर्याम, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। शंकरस्य च कर्ता स्याम, और मैं क्या हो जाऊंगा? शंकर का कर्ता। शंकर मतलब अव्यवस्था, मिला जुला, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो कोई व्यवस्था तो लोक में रहेगी नहीं, तो इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? मैं। शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामी इमा प्रजा, और उस अव्यवस्था से जो प्रजाओं का नाश होगा तो उनका दोष भी किसको लगेगा? मुझे लगेगा। तो जितना जिसका दायरा है, एक परिवार का लीडर है, एक किसी संस्थान का लीडर है, एक किसी संगठन का लीडर है, तो उसको ठीक चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति की है जो नेतृत्व में है।
यदि वो ठीक आचरण नहीं करेगा तो फिर वो घर नष्ट हो जाएगा, वो परिवार, वो संगठन, वो संस्थान, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें जो अव्यवस्था हो रही है उसका ये कर्ता बन जाएगा। जिस परिवार में जो मुखिया श्रेष्ठ आचरण नहीं कर रहा है और घर में अव्यवस्था हो गई है, तो उस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? मुखिया, वो जो उसका कर्ता है। तो फिर ये मेरे ऊपर दोष आएगा कि आपने ये सब अव्यवस्था फैला रखी है, इसलिए मैं श्रेष्ठ आचरण करता हूं। तो अभी समय हो गया, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।